गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कितू राइडिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो राइड है वो आपने टाइटल तो देख लिया होगा, तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज डाकोर जाने वाले हैं। तो वडोदरा से डाकोर 80 किलोमीटर जितना दूर है। तो आज हमारे साथ RKB राइडर और घनश्याम भाई और योगेश भाई हमारे साथ है। तो हाय कर दो। हाय। तो भाई गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8 बजे है और हम आसोदर वाला रोड लेने वाले हैं। आप आसद से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, सावली वाला रूट भी, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। और पिछली वीडियो आपने ना देखी, पिछली वीडियो देखी ना हो तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। कोरना बीच का मैंने वीडियो बनाया था, ब्लॉग बनाया था, तो आप देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपका प्यार बहुत बहुत प्यार चाहिए आपका, जो आप ही कर सकते हो गाइस सब कुछ राइट। अंकल निकल जाओ, बहुत जल्दी है आपको। तो ठीक है, कई जगह है तीन लीटर आया है, देखते कितना है। भरो भरो भरो, ओके। मीटर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ से सुबह में जब हम राइड पे निकले तो यहाँ से धुआं धुआं निकल रहा था, ऑलरेडी मीटर खराब है। तो गाइस, मीटर में से धुआं निकल रहा था, सब लोग डर गए थे क्या प्रॉब्लम है, राइड कैंसिल तो नहीं होगा, बाइक चालू होगा या नहीं होगा। तो गाइस, चालू तो बाइक हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, आगे क्या प्रॉब्लम, कुछ आ सकता है या नहीं आ सकता है, पता नहीं। तो गाइस चलो चलते हैं आगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम होगा, वो सब कुछ देखा जाएगा। तो द्वारकाधीश तो मिल के ही आएगी आज, खाया नहीं था तो कुछ खाना पड़ेगा आगे जाके। मैंने घर पे चाय ही पी थी, तो आगे जाके मेरे को कुछ खाना पड़ेगा, कुछ भी खाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे राइड तो हो नहीं सकती। तो सुबह कुछ सिर्फ एक चाय पिया था और एक बिस्किट खाया था। तो देखते आगे कोई अच्छी सी होटल मिल जाए तो वहाँ पे नाश्ता करेंगे। राहुल सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया है, वो ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा ना, खाना बना कुछ नहीं है, चाय पी थी किसी आगे आसोदर जाके। ओके चलो था, भाई की बर्थडे है, योगेश भाई की बर्थडे है। इतना बढ़िया रहा, दूसरी राइड पे इतना मक्खन जैसा रोड, यानी कि वासद वाला जो रोड है, एक नंबर मक्खन वाला रोड है भाई। तो राइड करने में ऐसे रोड मिले ना तो राइड करने में बहुत ही मजा आता है। तो ये एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे बुरी तरह ठुक गई है, देखो इसमें ठुक गया है लगता है। गाइस कुछ भी हो सकता है गाइस, देख सकते हो गाइस पूरा निचोड़ दिया है उस वो ट्रक को, पीछे वाले ऐसा ट्रक को। तो गाइस लाइफ में कुछ भी हो सकता है इसलिए। तो गाइस नाश्ता करने के लिए रुके थे यहाँ पे, अभी नाश्ता चाय आ रही है और बोलते हैं चौकड़ी पे हम रुके हैं, यहाँ पे नाश्ता करके निकल रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। तो यहाँ से 37 किलोमीटर है, ये वासद चौकड़ी से हमें 37 किलोमीटर और जाना है तो डाकोर आ जाएगा। यहाँ पे जो अंकल ने जो गोटा यानी कि वो भजिया वगैरह जो बनाया था ना, एक नंबर था, और चाय भी ली है। जब सुबह की चाय अच्छी मिल जाए ना तो और कुछ क्या चाहिए यार।
और भजिया वगैरह जो गुजरातियों का फेवरेट नाश्ता। तो यहाँ से भालेज, उमरेट और डाकोर का यहाँ पे बॉल लिखा है, तो यह वाला डाकोर ही जाने वाला है। आज वो दिन आ चुका है तो हम राहुल भाई यानी कि आरकेबी राइडर और हितू राइडर दोनों साथ में राइड कर रहे हैं, तो साथ ही में मज़ा आ रहा है। बड़ी बड़ी राइड भी करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो स्कूटर से राइड करते हैं और हमारे तो छम्मक छल्लो यानी अपाची 164 भी से राइड करते हैं हम। मसाज, प्यारी मसाज। जब भी आपका मन करे ना कि मसाज कराने तो मेरे पास आ जाइएगा, कि हम राइड पे निकलते हैं तो ऐसे मसाज वाले ही ब्रेक कर आ जाते हैं। स्पीड ब्रेकर की तो बात ही मत करो, बहुत ही ज़्यादा स्पीड ब्रेकर यहाँ डाकोर वाले रोड पे मिल रहे हैं यार। बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड करने में। इतना अच्छा रोड कहाँ पे गया था यार तू, इतना अच्छा रोड। तो गाइस फिलहाल तो 15 किलोमीटर बाकी है डाकोर, तो हम चल रहे हैं 80 खींच रहा हूँ मैं। तो राइड करने में इतना मजा आ रहा है और स्पीड ब्रेकर भी इतना ज्यादा है कि क्या बोलूं मैं। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे राइड करने में। अभी इतना अच्छा रोड मिला है तो मैं 80 खींच रहा हूँ, 80-90। क्योंकि वहाँ पे मंदिर भी 12 बजे तक ही खुला रहने वाला है, तो गाइस वहाँ पे पहुँचना भी जल्दी जाना पड़ेगा, पहुँचना भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मंदिर 30 किलोमीटर बाकी है अभी, तो यहाँ पे हमें रेस करने के लिए रुके थे। तो राहुल भाई कितने बजे तक मंदिर खुला है? 12 बजे तक मंदिर खुला है, 7 बजे से 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो मिलते हैं वहाँ पे जाके। और यहाँ से शुरू होता है तो हम डाकोर के अंदर आ चुके हैं। अभी 2 किलोमीटर बाकी है मंदिर के, 2 किलोमीटर दूर है मंदिर बस यहाँ से। सकते हो मंदिर सामने दिख रहा होगा आपको, तो लगता है कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है। अभी तो मंदिर बंद है, 11:30 पे खुलेगा। सामने मंदिर है गाइस, तो वहाँ पे मंदिर है और ये गोमती तालाब है, और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जो फोटो पाड़ना यहाँ पे मना ही है। बाहर से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो अंकल बैठे हैं वो यहाँ पे मेरे को मना कर रहे हैं, बट मैं अंदर नहीं जाने वाला,
भाई ये चरण पादुका है, वहाँ पे गुजराती में लिखा है। ये मंदिर के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। गुमती सामने है मंदिर, गुमती तालाब के सामने आया हुआ है मंदिर। डाकोर जो मंदिर है सामने रथुराज जी का, वहाँ से ये मंदिर सामने ही है बिल्कुल, तो आप आ सकते हो वहाँ पे। बहुत मस्त यहाँ पे तालाब है, पर यहाँ पे थोड़ा कूड़ा कचरा लोगों ने डाला हुआ है, कूड़ा कचरा डाला हुआ है, नहीं तो ये मंदिर ये तालाब बहुत खूबसूरत है, अच्छी तरह से बनाया गया है। बहुत ये तालाब ब्यूटीफुल लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा जैसे तालाब में किस तरह से डाला गया है, तो ये जो तालाब है वो बहुत खूबसूरत हुआ करता था, बट ये लोगों ने देख सकते हो कि बेचा सब कुछ कचरा वगैरह डाला हुआ है यहाँ पे मंदिर में ये तालाब के, तो ये नहीं करना चाहिए गाइस। तो कहीं भी मंदिर पे जाओ तो ये कचरा वगैरह जो अच्छी जगह होती है ना, वो वहाँ पे कचरा मत डालो यार, ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छे से दर्शन हो चुके हैं, 11:30 को मंदिर खुला और अच्छे से दर्शन हो गए, तो भगवान से बात भी कर ली कि 1K जल्दी से करवा दो। आपको भी बोलता हूँ कि 1K जल्दी से यूट्यूब पर करवा दो यार, 500 सब्सक्राइबर से ऊपर भी हो चुके हैं, तो 1K जरूर करवा दो। यहाँ पे एंड करते हैं, तो वीडियो जो अच्छा लगा तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और नेक्स्ट जब राइड रहेगी मैं इंस्टाग्राम पर आपको कहीं वो मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम पर, और आप लोग इंस्टाग्राम पर मेरे जो आईडी है वो इंस्टाग्राम की आईडी मेरे को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, और हितूर आईडी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए और फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट राइड में, तो थैंक यू सो मच गाइस।